हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको कार्तिक मास का 27वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तो आप हाथ में तिल ले लेंगे, लोटा ले लेंगे, जल ले लेंगे और फिर कथा शुरू कर लेंगे, ठीक है? तो पहले हम स्तुति कर लेते हैं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिलात ये भक्ति मेरी, तुलसी भक्त प्रणाम करती हूँ। चलिए जी कथा शुरू। हे राजन, नारद जी बोले, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बोने बामन भगवान को पहचान कर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान है जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामना अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर पर आए याचक को दान न देना अधर्म नहीं तो और क्या है? जरा सोचिए कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। और फिर भी यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं? मैं जितने भी यज्ञ आदि करता हूँ इसे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ, अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगे मैं अवश्य दूंगा। ऐसा कहकर हे राजा ऋतु, बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य देकर उसे वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ, आप कृपा कर आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर, गांव अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती, समस्त पृथ्वी को भोगने के लिए मान जाता जैसे राजा आज कहाँ है, अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है, मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगा, तुम्हारी यह तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य है। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं, अतः यह दान भी राजा मुझे मात्र 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्म कल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था, उसकी 6 स्त्रियां थी तथा अनेक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए, तो अपने कुटुम्ब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान मांग ली, भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजा प्रतु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प करे, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टोटी में जल होकर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टोटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उसे छटपटाते राजा की उंजली में जल आ गया। तब बलि ने संकल्प पूरा किया, तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव इस जल से धोया गया, अब वह निर्मल जल लोक पावन जल धारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्तऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर बड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले, हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा, वह यज्ञपात्र को अपवित्र से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग बलि को
अन्य दैत्यों को पाताल दिया। ऐसा करके भगवान पुनः वामन रूप हो गए। तत्पश्चात वे तप करने चले गए। हे राजा पुत्र, यहाँ गंगा स्वर्ग गंगा के नाम से विख्यात हुई। आकाश गंगा के जन्म का यह पावन प्रसंग जो कोई भी श्रद्धा से सुनेगा, हे राजन वह मोक्ष का अधिकारी होगा। तो अब मैंने कथा कर लिया, जो भी जल है वो आप डाले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती कर लेंगे। नमो नमो पत्रानी, नमो नमो कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली, तुलसा महारानी, नमो नमो हरिपुत्रानी, नमो नमो कौन से महीना उत्तर पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मक्सर मास हुई सगाई, तुलसा महारा, नमो नमो कामटी तुलसा, कामटी चली अमलमटी तुलसा, तुलसा महारानी, नमो नमो छप्पन हो पच्चीस हो गंजे में तुलसी ने एक तुलसा हमारा, जो तुझे मुझे की आरती आवे बस, जो तुझे मुझे आरती आवे बसी वे कुंड परम पद पावे, जो तुझे आवे मन मानसी पर लेती सिद्धि पावे, तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी, बोलो तुलसी माता की, विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि चरणों में लगे रहेंगे। अब मैं माला जप कर लूंगी और फिर जाती हूँ।